दरिया सुमरे राम को अष्ट पैर आरा रसना में रस उपजे मिसरी जय सासवा नाम बिना भरम करम नहीं छूटे नाम बिन भरम करम ना छूटे नाम बिना भरम करम साधु संगत और राम भजन बिना साधु संगत और राम काल निरंतर लूटे नाम बिन परम करम नहीं छूटे नाम बिन परम करम ना छूटे मल को धोवे सो मल कैसे छूटे मल से तीजो मल को धोवे सो मल कैसे छूटे राम जी सो मल कैसे छूटे प्रेम का साबुन नाम का पानी प्रेम का साबुन नाम का पानी दुई मिलता ता टूटे नाम बिन परम करम नहीं छूटे नाम बिना परम करम ना छूटे साधु संगत और राम भजन बिना साधु संगत और काल निरंतर लूटे नाम बिना भरम करम ना छूटे नाम बिना भरम करम नहीं छूटे वेद भरम का मांडा जोड़े पड़े पड़े पूरे वेद अवेद भरम का मांडा जोड़े पड़े पड़े पूरे राम जी जोड़े पड़े पड़े पूरे गुरु मुखी सत कहे उरे अंतर गुरु मुखी सत कहे उरे सकल भरम से छूटे नाम भरम करम नहीं छूटे नाम बिना भरम करम ना छूटे साधु संगत और राम भजन बिना साधु संगत राम भजन काल निरंतर लूटे नाम भरम करम नहीं छूटे नाम बिना
का जान तू धर ले प्राणी, अमृत का मैं बूटे। राम का जान तू धर ले रे प्राणी, अमृत का मैं बूटे। राम जी अमृत का मैं बूटे। धन दरियाव अरब दे आपा, धन दरियाव अरब दे आपा। जन्म मरण से छूटे ना बिन, धर्म कदम नहीं छूटे ना बिन, धर्म कदम नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन में, साधु संगत और राम भजन में। पाप निरंतर छूटे ना बिन, धर्म कदम नहीं छूटे ना बिन, धर्म कदम ना छूटे, धर्म कदम नहीं छूटे। बोले श्री दरियाव जी महाराज की। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज फरमाते, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। राम जी के भजन के बिगन भ्रम और कर्म का छुटकारा नहीं होता। भ्रम क्या है और कर्म क्या है, ध्यान देना है। जैसे काली अंधेरी रात्रि में आप कहीं बाहर निकलते हो और आपको कहीं कोई काली रस्सी साइकिल का टूप बाहर पड़ा दिखाई देता हो अंधेरी रात्रि में, तो आपको भ्रम हो जाता है, सर्प दिखता है उसमें। सर्प वहां है नहीं ना, फिर भी भ्रम हो गया इसलिए उसको सर्प मान लिया, और भ्रम से भय उत्पन्न हुआ, भय लगा, डरने लगे। शूरवीर हैं लेकिन डर लगा, अरे शाप है। तो इस भ्रम से मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ता, टॉर्च की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। टॉर्च लाकर के देखा और कार्य में तो ऐसे ही डर रहा था, ऐसे ही भयभीत हो रहा था, ये तो सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। ठीक इसी प्रकार ये भ्रम है कि शरीर मैं हूं, संसार मेरे बगैर चलता नहीं, परिवार मेरे बगैर चलता नहीं, ये भ्रम है। और ये भ्रम एक दिन टूटता है, भ्रम टूटेगा। इसलिए संसार और शरीर ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर अलग है और आप अलग हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आप फ्लाइट में बैठकर के यात्रा कर रहे हो तो आप फ्लाइट थोड़ी ना हो, आप अलग हो और वो यात्रा करने का साधन है। शरीर उसी प्रकार साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन जही परलोक क्षमारा, ये साधन है। गाड़ी आप नहीं हो, आप अंदर बैठने वाले हो, तो शरीर आप नहीं हो, आप अंदर बैठने वाले हो। शरीर छूटता है, आत्मा तो अजर अमर है। तो कहा मल शेती जो मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे, साधु संगति के बिगर काल निरंतर लूटता रहता। काल यानी समय, निरंतर श्वासा हमारी घटती जा रही है। तो मल सेती जो मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। गंदा कपड़ा है, गंदे नाली के पानी में डाल करके और बार बार इसको स्वच्छ करना चाहो, कभी नहीं हो सकता। यानी कि भजनानंदी महापुरुष है, साधना किए हुए महापुरुष, उनके सानिध्य में बैठोगे तब कर्म कटेगे। स्वयं तो गुटखा खाता, दूसरे को उपदेश देता है, कैसे बात बनेगी। स्वयं मदिरा पान करता है, दूसरे को मना करता, कैसे बात बनेगी। स्वयं के जीवन में होना चाहिए, जैसे को तैसा मिला तो फिर और उल्टा कपड़ा गंदा ही होगा और कर्म बंधन होगा। इसलिए मल से मल सेती जो मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। कोई पहुंचे हुए फकीर हो, महात्मा हो, उनके सानिध्य में, और जो इस मार्ग के ठीक भली भांति जानकार हो, बता सकते हैं साधन, ऐसे महापुरुष की शरण से कल्याण होगा। बाकी ऐसे भटकते रहो, इधर उधर घूमते रहो, कई बार मिले हैं, कई और मिल जाएंगे, कल्याण ऐसे संभव थोड़ी ना। पहुंचे हुए होने चाहिए, जो भगवान से साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हो,
उनके सानिध्य में बैठने से, उनकी शरणागत ग्रहण करने से लाभ होगा। तो मल शेती जो मल को धोवे सो मल कैसे छूटे, तो प्रेम का साबुन नाम का पानी दुई मिलता ता टूटे। शुद्ध जल और साबुन होता है तो कपड़ा स्वच्छ होता है। ठीक इसी प्रकार खूब प्रेम होना चाहिए और राम नाम का, तो फिर कर्म रूपी ये मेल उतर जाएगा झटके से और तुरंत स्वच्छ और शुद्ध हो जाओगे। फिर का भेद अभेद भ्रम का भांडा चोड़ी पड़ पड़ फूटे। गुरुमुखी शब्द कहे उर अंदर तो सकल भ्रम से छूटे। सदगुरु के शब्द को धारण करना पड़ता है, धारण करोगे तब बात बनेगी। लेकिन दुनिया की गति बड़ी विचित्र है, क्या है? राम का ध्यान तू धर ले प्राणी अमृत का मैं ऊटे। जन दरिया अर्प दे आपा तो जन्म मरण से छूटे। जरा मरण, जरा शब्द का उपयोग करते हैं महापुरुष, क्यों? मां की कोख से जन्म लेता है ना, इसलिए इसको जरा कहते हैं। तो जरा मरण से छूटता है, भगवान का भजन करेगा तो मां की कोख में जाना नहीं पड़ेगा। और इतना भजन कर लेना, जन्म लेना भी पड़े, मानव तो बनो कम से कम।